तो गाइस है आलू मेरी माइनक्राफ्ट एसएमपी का सबसे बड़ा न्यू प्लेयर पर गाइस आज आलू का है यहाँ पे हैप्पी बर्थडे तो इसलिए उसको यहाँ पे सरप्राइज देने के लिए इस वीडियो के एंड तक गाइस मैं इसके घर को यहाँ पे फ्लिप करने वाला हूँ वो भी एक मेगा मेंशन में। ऑल राइट ये रहा यहाँ पे आलू का घर जो कि यहाँ पे डर्ट का बना हुआ है। गाइस मेरे माइंड में यहाँ पे काफी सारे ओपी वाले बिल्ड हैक है जिनको गाइस अभी मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ इसके बेस पे। वेल सबसे पहले तो इन सारी डर्ट को यहाँ पे हटाते हैं क्योंकि इसी चीज से इसका बेस सब ज्यादा गंदा दिख रहा है। वेल इस बेस को यहाँ पे थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ स्प्रूस प्लैंक का। यो इसका ये बेस अभी से कितना ज्यादा सही लग रहा है। एंड नाउ गाइस अब मैं यहाँ पे बनाने वाले इसके घर के अंदर यहाँ पे काफी सारे फार्म्स बट यहाँ पे जगह थोड़ा कम है तो मुझे इसको यहाँ पे अंडरग्राउंड बनाना होगा। वेल गाइस सबसे पहला फार्म जो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ वो होगा एक बेसॉल जनरेटर। जस्ट थिंक गाइस घर के अंदर ही यहाँ पे एक बेसॉल जनरेटर जो एसएमपी में किसी के बेस में नहीं है। वैसे बेसॉल जनरेटर बनता कैसे मुझे तो पता ही नहीं है। वेट अ सेकंड गाइस मुझे यहाँ पे थोड़ा आइडिया तो है। ऑलराइट यहाँ पे एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या यहाँ पे काम करेगा। ओके यहाँ पे काम कर रहा है लेट्स गो। और जस्ट गाइस इसके बगल में यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ कॉबलस्टोन जनरेटर। मे बी पानी को ऐसे डालू अगर तो। ऑल राइट गाइस अब हमारे पास घर के अंदर यहाँ पे दो ऑटोमेटिक फार्म है। हमारे पास है यहाँ पे बेसॉल जनरेटर और एक कॉबलस्टोन जनरेटर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा कॉपर ब्लॉक यूज करूँ तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम हो जाएगी और बीच में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी। यो अब देखो सर कितना ज्यादा सही लग रहा है यहाँ पे ये। वेल गाइस तुमने कुछ प्लेयर्स के वर्ड में यहाँ पे देखा होगा कि वो एक ग्लास चैम्बर के अंदर मॉब्स को ट्रैप कर देते हैं। एंड यू नो व्हाट गाइस वो चीज अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। वैसा सा कौन सा मॉब हो सकता है जिसको यहाँ पे कैद करने से बेस यहाँ पे कूल लगे। नेदर मॉब्स जैसे कि ब्लेस। यो गाइस अब देखो जरा यहाँ पे कितना ज्यादा कूल लग रहा है भाई। वर्ल्ड मैप कैसा रहेगा। ओ भाई सब गाइस का सही आइडिया यहाँ पर है। सोचो जरा गाइस घर के अंदर यहाँ पे वर्ल्ड मैप हो जिससे हमें पूरे एसएपी का मैप दिख जाए। एंड गाइस अगर तुम यहाँ पर जानना चाहते हो कि आखिर इसको बनाना कैसे है देन इस वाली वीडियो को यहाँ पे देख लेना। ऑल राइट गाइस यहाँ पे थोड़ा टाइम के बाद मेरे पास सारे मैप के पीसेस यहाँ पे आ चुके हैं। और अब गाइस ऐसे करके मुझे इसको यहाँ पे लगा देना वो भी सही कोऑर्डिनेशन में। एंड जस्ट सी गाइस हमारे पास बेस के अंदर यहाँ पे पूरा एसएमपी का मैप आ चुका है। पर गाइस यू नो व्हाट मैप पे दीवार पे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे इसको यहाँ पे थोड़ा डिजाइन वगैरह देना होगा जिससे यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगे। और इस चीज के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा कूल डिजाइन है। वेल ऑल राइट गाइस हमारा वर्ल्ड मैप यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पर गाइस तुम अपने घर से लेके यहाँ पे दूसरों के घरों को भी यहाँ पे देख सकते हो। एंड मेरे ख्याल से गाइस आलू को मैप पे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। बट नाउ गाइस अब मैं यहाँ पर क्या चीज बनाने वाला हूँ जो इसके बेस को दूसरों के बेस से काफी ज्यादा डिफरेंट कर देगी जो की गाइस यहाँ पर होगा एक कस्टम एक्वेरियम। और उसके लिए गाइस मेरे पास दिमाग में एक बहुत ही तगड़ा वाला प्लान है। वेल ऑल राइट मैंने एक्वेरियम के लिए जगह तो बना दिया है और इस साइड गाइस यहाँ पे ग्लास लगेगा तो मुझे इस एरो को थोड़ा पीछे करना होगा। ऑल राइट मेरे ख्याल से इतना एरिया पे काफी रहेगा और अब इसको यहाँ पे कवर कर देते हो भी ग्लास से। वह नीचे की जमीन को नेचुरल बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ सैंड का जिसको गाइस यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ क्ले। और दीवार के लिए मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ क्वार्ट्ज का। एंड ओ भाई साहब काफी सही लग रहा है यहाँ पे ये। ऑल राइट गाइस अब देखो जरा यहाँ पे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब बस मुझे एक काम करना जो कि इसके अंदर पे पानी बनना। वैसे इस चीज को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूँ। वेट कोरल। और अब देखो गाइस इसको लगाने के बाद हमारे एक्वेरियम की ब्यूटी यहाँ पे कितनी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। और अब बारी यहाँ पे इसके अंदर मछलियां भरने की। वैसे मैं इसके अंदर पे मछली के अलावा और कौन सा मॉब डालू। वेट एक टर्टल यस यहाँ पे सही रहेगा। और अब देखो गाइस यहाँ पे चीज बिल्कुल एक मॉडर्न एक्वेरियम जैसी लग रही है। बस जल्दी से यहाँ पे वॉल और फ्लोर को सही कर देते क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ फ्लोर के लिए डार्क ओक प्लैंक्स का और वॉल के लिए गाइस मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ स्टोन ब्रिक्स का। वैसे गाइस अगर देखा जाए तो हमारे बेस के अंदर यहाँ पे काफी सारी कूल चीजें हैं बट गाइस अगर सही बता तो इनमें उतनी डिटेलिंग नहीं है। एंड गाइस उस चीज को मैं यहाँ पे ला सकता हूँ वो भी ये करके। और गाइस अब देखो यहाँ पे कितना ज्यादा कूल लग रहा है पहले से। वेल आई गेस मुझे इनको यहाँ पे हर चीज के ऊपर करना चाहिए। वेल ऑल राइट गाइस हमारे पास अभी बेस के अंदर काफी सारी डिटेलिंग भी आ चुकी है। बट गाइस क्वेश्चन है कि आखिर पे नेक्स्ट थीम कौन सी होने वाली है। वेल एब्सोल्युटली एक एस्केप रूम। जस्ट थिंक गाइस अभी घर के अंदर एक ऐसा एस्केप रूम जहाँ से तुम यहाँ पे बाहर एस्केप कर सकते हो वो भी बिना किसी को यहाँ पे पता चले। और इसको मैं अभी दूर तक ले जाने वाला जहाँ पे गाइस हमारा एस्केप रूम बाहर निकलेगा। ओके वेट यहाँ पे काफी ज्यादा सही जगह। यहाँ पे डायरेक्टली पेड़ के नीचे हमारा रास्ता निकल रहा है। वेल सही है मुझे ऐसा ही चाहिए था। ऊपर जाने के लिए मैं प्लेस कर देता हूँ लैडर को और यहाँ पे गाइस मैं इसको कवर कर देता हूँ अभी ट्रैप डोर से। और यहाँ पे उतना ज्यादा हिडन है तो इसको यहाँ पे हिडन बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा मॉस कारपेट का। वेल ओके अब यहाँ पे काफी ज्यादा हिडन है। एंड गाइस मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये तो पूरा खुला रास्ता है ये एस्केप रूम कैसे हुआ। वेल यस गाइस मुझे पता है यहाँ पे पूरा खुला रास्ता है लेकिन गाइस मैं इसको यहाँ पे हिडन और सीक्रेट बना सकता हूँ वो भी माइनक्राफ्ट का सीक्रेट फीचर यूज करके। एंड गाइस जस्ट सी दिस पूरा का पूरा एरिया गाइस यहाँ पे कवर हो चुका है। और ऊपर से गाइस तुम इसके आर पार भी जा सकते हो। एंड गाइस एसएमपी में तुम्हारे फ्रेंड को यहाँ पे पता चलेगा ही नहीं कि तुमने इस पेंटिंग के पीछे यहाँ पे एक सीक्रेट रास्ता बना रखा है। वेल ऑल राइट गाइस अब हमारे पास बेस के अंदर पे काफी सारी चीजें हैं। हमारे पास यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप है एक कस्टम एक्वेरियम है एक एस्केप रूम है और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे जनरेटर्स और एक मॉब केज। एंड गाइस मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें दीवार के इस साइड पे कुछ यूनिक बनाया जाए लाइक जैसे कि एक रोलर कोस्टर। गाइस मुझे लगता है कि एसएमपी में किसी भी बंदे के घर में ये चीज होगी। एंड गाइस जस्ट थिंक इस चीज से हमारा बेस पे कितना ज्यादा कूल लगेगा। वेल ऑल राइट आई गेस इतना स्पेस पे काफी होगा या जस्ट लाइक दिस। एंड नाउ गाइस अब मैं माइनक्राफ्ट के अंदर रेल का एक ऐसा फीचर यूज करने वाला हूँ जिसके बारे में तुमने कभी सुना ही नहीं होगा कि अगर हम माइनक्राफ्ट की रेल को कुछ ऐसे दो साइड लगाते हैं देन गाइस इस टर्न वाली रेल के साइड में यहाँ पे लीवर लगाने के बाद तुम इसके टर्न को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो।
और इसी के हेल्प से गाइस मैं यहां पे दो रास्ते बनाऊंगा वो भी रेल के, जिसमें से गाइस हमारा पहला रास्ता तो जाएगा यहां पे माइन की तरफ जो कि होगा यहां पे अंडरग्राउंड। ऑलराइट, कितना सही है यहां पर है, जहां पर मेरी टनल खुली उसके बगल में यहां पे एक माइन शाफ्ट है और यहां से गाइस मैं रेल को यहां पे ले जाने वाला हूं वो भी अपने बेस में। ओके कब जैसे डीप माइन है एंड मैंने चाहता कि कोई भी ज़ॉम्बी इस रास्ते से हमारे बेस के अंदर एंटर कर जाए तो सिक्योरिटी के लिए मैं यहां पे गेट लगा देता हूं और का जो दूसरा रास्ता हमारे पास जाएगा उसको मैं अभी के लिए यहां पे ऐसे छोड़ देता हूं। इन फ्यूचर गाइस अगर इस बंदे को यहां पे कोई स्पॉनर या फिर कोई ब्रिज मिलता है देन गाइस ये बंदा इस रेल को वहां पे ले जाके अपने बेस को वहां से कनेक्ट कर सकता है अंडर कंस्ट्रक्शन। और गाइस मैं इस एरिया को यहां पे थोड़ा मल्टीपर्पज यूज के लिए बनाना चाहता हूं तो मैं यहां पर एक काम कर सकता हूं जो कि चीज को यहां पे स्मेल्टिंग एरिया बनाना। ऑल्सो मैं यहां पे एक और चीज कर सकता हूं जो कि गाइस इस जगह को यहां पे विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाना। कैसा आइडिया गाइस, यहां पे एक ही रूम के यहां पे तीन तीन यूज हो जाएंगे और वॉल के लिए गाइस मैं यहां पे यूज कर लेता स्प्रूस प्लैंक का। अभी नहीं, मैंने पे क्या कर दिया, ये सेंट क्या पे वापस आ सकता है प्लीज प्लीज। ओके आ गया। ओके अब देखो यहाँ पे कितना ज्यादा सही लग रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा विलेजर की कमी है। वेल ऑब्वियसली मुझे पता है इस बंदे को यहाँ पे स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए गाइस जो ऊपर की साइड यहाँ पे मैं चेस्ट लगा देता हूँ। और गाइस खास बात है कि अगर तुमको चेस्ट को यहाँ पे एक्सेस करना है देन गाइस तुमको यहाँ पे आना होगा डायरेक्टली यहाँ ऊपर गेट पे और फिर गाइस तुमको मानी यहाँ पे एक अच्छी सी छलांग। देखा गाइस यहाँ पे कितना ज्यादा कूल था, पर मुझे पता है यहाँ पे ये फालतू गिरी है तो इसलिए मैं यहाँ पे लैडर लगा देता हूँ। एंड वेट जस्ट सी, यहाँ पे हमारा नूब यहाँ पे एफके से अभी भी वापस आया है। एंड गाइस मेरे ख्याल से यहाँ पे आलू का अपना बेस यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर गाइस अभी भी हमारा बेस यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है। हमारे बेस की रूफ यहाँ पे काफी ज्यादा गंदी है तो मैं इसको यहाँ पे बदल देता हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा यूनिक लुक चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ ग्रे कंक्रीट का। वॉल को गाइस यहाँ पे और ज्यादा डेप्थ चाहिए तो मुझे इसको यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करना होगा और इसके लिए गाइस मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा कूल बिल्ड हैक यूज करने वाला हूँ। स्टेप वन गाइस तुमको अपने जितनी भी हो सके सारी वॉल को यहाँ पे एक ब्लॉक पीछे कर देना है और अब गाइस तुमको यहाँ पे यूज करना ब्लू होल का, जिससे गाइस जगह यहाँ पे एक तरीके से पाइप सिस्टम सा लगे, बिल्कुल एक तरीके से इंडस्ट्री वाली फीलिंग आ जाएगी हमारे बेस के अंदर। वैसे अभी यहाँ पे इतनी ज्यादा रियलिस्टिक फीलिंग तो नहीं दे रहा है सो इसलिए गाइस मैं यहाँ पे यूज करूंगा ट्रैप डोर का और अब देखो गाइस यहाँ पे एक तरीके से रियल पाइप की तरह लग रहा है जिसके अंदर से गाइस पानी बह रहा है। और अब देखो गाइस हमारा बेस यहाँ पे कितना ज्यादा कूल लग रहा है। ओह वेट, मेरे पास अब एक बहुत अच्छा आइडिया है गाइस, क्यों ना मैं यहाँ पे बाहर जाने का रास्ता इस मैप के पीछे बना दूं। बस गाइस मुझे यहाँ पे पीछे के ब्लॉक हटा देने एंड नाउ गाइस अब इस मैप के पीछे होगा हमारा यहाँ पे सीक्रेट रास्ता और मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ एक वाटर वाली लिफ्ट का और ऊपर जाने के लिए गाइस यहाँ पे होगा पानी। वैसे गाइस अभी बंदा पे ऑफलाइन जा रखा है सो लेट्स सी इसके आने के बाद गाइस इसका यहाँ पे क्या रिएक्शन रहता है इस बेस को देखकर। वेल ओके ओके गाइस यहाँ पे बंदा ऑनलाइन हो चुका है और अपने यहाँ पे बेस को देख रहा है एंड देखो गाइस यहाँ पे बंदा कितना ज्यादा खुश है अपने बेस को देख के। ब्रो तुमको तुम्हारा न्यू बेस कैसा लगा? ओके इसने यहाँ पे लिखा है बहुत अच्छा। अब भाई वैसे थे तारे की कोई जरूरत भी नहीं थी। एंड गाइस अगर तुमको भी मेरी पब्लिक ऐसे भी में खेलना है देन गाइस यहाँ पे डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सर्वर आईपी एंड पोर्ट दोनों मिल जाएगा। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पे सब्सक्राइब करने भी मत भूलना।